नमस्कार भाइयों, आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 5 सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको शॉर्ट में SMS बोला जाता है, इसको हिंदी में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली बोला जाता है। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज योर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्या है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अचीव सेफ्टी गोल्स लाइक सेफ वर्क एटमोसफियर, प्रोवाइडिंग सेफ मशीनरी एंड गिविंग सेफ्टी ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, इट इज कॉल्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कुछ नियम है, जैसे सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण करना, सुरक्षित मशीन उपलब्ध कराना और सभी वर्कर को सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेनिंग देना, और इन सभी नियमों को लागू करना ही सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है। दूसरा हो गया, व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कारक क्या है। तो मेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लाइक सेफ्टी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ETC। मेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कारक जो है सेफ्टी पॉलिसी बनाना, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जिसको संगठन बनाना, उसमें संगठन को प्लानिंग देना, उसको देखभाल करना, उसको ऑडिट करना और समय समय पर उस पूरा सिस्टम को रिव्यूइंग करना, जांच पड़ताल करना, जो हमारा सिस्टम ये सही तरीका से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही हो गया सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का कारक हो गया। तीसरा हो गया, व्हाट इज द मेन सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का सपोर्टिंग में सपोर्ट करने वाले सेफ्टी मैनेजमेंट जो चलेगा, उसमें मैनेजमेंट होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तीनों की सहायता से सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। व्हाट इज द मेन सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सपोर्ट करने वाले तत्व क्या सब है। तो पहला हो गया मैनेजमेंट, उसको प्रबंधन बोला जाता है। इट इज द हायर लेवल एंड डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यह सबसे उच्च स्तर का मैनेजमेंट जो होता है, सबसे उच्च स्तर का होता है और वही संगठन का शक्ति तय करता है कि हमको किस आधार पर इस संगठन को चलाना है, वही हो गया मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट में होता है। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन है, तो संगठन कैसे बनता है, इसमें कैसे बताया गया है कि संगठन कुछ सबको मिलाकर बनाया गया है, जैसे इट इज द कंबाइंड बाय वर्कर्स, सुपरवाइजर, सपोर्टिंग स्टाफ एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन हैज द रिपोर्टिंग सिस्टम, द चीफ ऑफ द सेफ्टी मैनेजर, असिस्टेड बाय द सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर्स, फायर ऑफिसर, फायर कोऑर्डिनेटर एंड बॉटम लेवल, सबसे नीचे बॉटम लेवल वर्क फोर्स हैज सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर फाइटर, सेफ्टी वॉच, सेफ्टी स्टुअर्ट एंड सेफ्टी टेक्नीशियन लाइक स्कैफोल्डर, फिल्टर, वेल्डर एंड इलेक्ट्रीशियन ETC। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरा काम करने वाले वर्कर से लेकर सुपरवाइजर और सपोर्टिंग जो भी स्टाफ है और उस काम करने का लाइन ऑफ अथॉरिटी जो मेन आदमी है, ये सब होता है। उसके साथ यह ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, इसमें से उसका जो हेड होता है चीफ, वो सेफ्टी मैनेजर कहलाता है और उसको
सहायता करने के लिए सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, हायर ऑफिसर, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर और बॉटम लेवल नीचे स्तर में आता है सेफ्टी सुपरवाइजर, हायर सुपरवाइजर, फायर फाइटर्स, सेफ्टी वॉच, सेफ्टी स्टुअर्ट और उसको सहायता करने का वाले जो टेक्नीशियन होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट को, जैसे हो गया स्काइफोल्डर, हो गया फिटर, हो गया वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, इतना सबको मिला करके ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तीसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इस सभी को मैनेजमेंट, इस सभी को ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम में लाने के लिए, उसको सही तरीका से टाइम काम करने के लिए, उसका टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है, उसको देखरेख करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उप प्रशासन होता है, जिसको एचआर डिपार्टमेंट बोला जाए। इट इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंप्लीमेंटिंग ऑफ द रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया प्रशासन, इस पूरा सिस्टम को नियमित रूप से और प्रशासनिक कार्यों को लागू करता है ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए। यह ऑर्गेनाइजेशन का ही एक ऐसा हिस्सा होता है जो इसमें बनाए गए नियमों को नियमित रूप से देखभाल करने वाले कार्य जो करता है वही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, वही प्रशासन जो इसको एचआर डिपार्टमेंट कहलाता है। फोर में आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत क्या है, किस आधार पर सुरक्षा किया जाएगा, उसका कुछ पॉइंट बताया गया है। ए आता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक PPEs, वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड टू स्टाफ एंड वर्कर्स। अनिवार्य रूप से साइट पर काम करने वाले सभी आदमियों को निजी सुरक्षा उपकरण और वेलफेयर फैसिलिटी करने कल्याण सुविधाएं देना आवश्यक है। ऑल एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर प्लानिंग एट द वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर काम करने वाले जगह पर योजना बनाकर घटना, दुर्घटना और निकट चूक से बचाना है। ऑल टाइप्स ऑफ इंजुरीज, फैटलिटीज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स। साइट पर काम करने वाले आदमियों को प्रिकॉशन लेकर सावधानियों से बचाकर, सावधानियों के माध्यम से चोट लगना और मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को होने से बचाना है, ये भी सेफ्टी मैनेजमेंट का सिद्धांत है। इट इज गिविंग टू कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग टू सेफ प्रैक्टिस फॉर ऑल एम्प्लॉइज। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए जागरूक करना है और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर, मोटिवेट करके स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। मैं कहने का मतलब है ट्रेनिंग देना है, मोटिवेट करना है, जागरूक करना है, करके आदमी को सेफ करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट एट द वर्क प्लेस। कार्य स्थल पर नियमित और निगरानी के साथ बराबर देखभाल करना है, निरीक्षण करना है और सेफ्टी ऑडिट भी करना जरूरी है, जिससे साइट सेफ हो जाएगा। फाइव हो गया व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड सेफ्टी काउंसिल, विश्व सुरक्षा संगठन, विश्व सुरक्षा परिषद, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद भी है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ है और NSC ऑफ इंडिया, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,
जिसका दूसरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा संघ कहा जाता है, जो इंडिया में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ही 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है वही चालू किया था, और 4 मार्च से 11 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा वीक, नेशनल सेफ्टी वीक भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा ही मनाया जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।